दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, कई शॉर्ट वीडियो में बताया है कि एक गलती आप करते हैं, चाहे वो किसी भी देश में जाते हैं, अगर जो आप वहाँ घूमने जाते हैं, पढ़ाई को लेकर जाते हैं, चाहे काम करने को लेकर जाते हैं, तो आप किसी भी देश में जाते हैं तो आपको वहाँ की एम्बेसी, आपके देश की एम्बेसी, अपने इंडियन एम्बेसी सब आपको चेतावनी देती है, सब आपको जो है सलाह देती है कि आपको वहाँ के कानून के हिसाब से ही चलना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कानून इंडिया में सिर्फ आपको 6 महीने साल भर जेल होता है, वही कानून से आपकी जान जा सकती है। बाहर कई देशों में उसी कानून, सिर्फ उतने ही कानून जुर्म के लिए आपको फांसी तक दी जाती है दोस्तों। तो आप ये गलती कभी मत करिए। कुवैत में बता दूं आपको कि मैंने कई वीडियो डाला इस पे, कई लोग पकड़े गए, कई लोग पकड़े गए। आज आपने ये तो थंबनेल पढ़ा, इस पे मैं बता रहा हूं कि कई ऐसे कानून, कई ऐसे देशों में ये कानून है कि इतनी छोटी गलती के लिए आपको फांसी की सजा तक दी जाती है। एक भाई को आपने जो थंबनेल में देखा है, इस भाई को फांसी की सजा हो गई, दे दी गई, छोटी सी गलती। क्या किया था आपको, मैं बताता हूं वीडियो में। आप इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर करिए, और ये गलती आप कभी भी मत करिए। किसी भी देश में आप जाते हैं, चाहे वो गल्फ का कंट्री हो, चाहे यूरोप हो, चाहे साउथ अफ्रीका, अमेरिका, कहीं भी आप जाते हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। आप वहां जाते हैं या तो घूमने के लिए आप घूमने जाइए, या तो पढ़ने के लिए जाते हैं पढ़ने जाइए, पढ़ाई को लेकर के बस अपने फोकस रखिए, या फिर आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पैसा कमाने के लिए ये फोकस रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया से कुछ ऐसी चीजें लेके जाऊं जहाँ वहाँ पे डिमांड है, बेचूं और पैसा कमाऊं। देखिए शॉर्टकट जो है कि कहीं नहीं है। दुनिया में जितने लोग बढ़े हैं, आगे आपकी फैमिली चाहे आप भी बढ़ेंगे, अगर जो आप मेहनत करेंगे तो पक्का है एक ना एक दिन सक्सेस होंगे, लेकिन शॉर्टकट तरीके से नहीं। मैंने कुवैत में 5-6 वीडियो डाला है जिसको ये बताया कि एयरपोर्ट पे लोग ऐसे तरह के लोगों को जो है पकड़ के तुरंत अरेस्ट किया जाता है, उनको जो है जेल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है ये बता दे आपको, सिर्फ 1 किलो भांग, जो इंडिया में भांग का कोई कीमत नहीं है, आप होली में त्योहार में लोग पीते हैं, भांग कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज नहीं है इंडिया में, लेकिन वही चीज ये बंदे का जो आप फोटो देखे हैं, चाहे ये देख रहे हैं, इस बंदे का जो है जान चली गई, इसको फांसी की जो है सजा दी गई। ब्रिटिश जो ब्रिटिश के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, जैसे अपने इंडिया में मुकेश अंबानी, उसी तरह जो है उन्होंने सरकार को फोन करके रिक्वेस्ट किया कि मतलब जो हो सकता है मैं पे करता हूं, क्योंकि मेरा संबंध इंडिया से बहुत अच्छा है और मैं जो है पे करता हूं, जो भी जुर्माना होगा इस बंदे को जो है फांसी ना दी जाए, उम्र कैद दी जाए, चाहे इसके देश में जा करके उम्र कैद दी जाए। लेकिन सरकार ने बोला नहीं, हमारा रूल है तो है, इस पे हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, बस इसकी सजा है फांसी तो फांसी। इंडिया की सरकार बहुत कोशिश की, लेकिन भाई कोई नहीं। ये असल में बता दूं आपको, ये वीडियो है सिंगापुर के लिए बता रहा हूं। सिंगापुर अपने इंडिया का एक भाई है जो कि 1 किलो भांग लेके गया था, और ये फोटो में देख सकते हैं भाई का, और ये सॉरी आप बता दो क्या भाई, वीडियो बना रहा हूँ तो दिखाना ही पड़ेगा। ये भाई ने जो है वहाँ जा करके गलती कर दी, और गलती नहीं की, ले जा करके गलती की 1 किलो भांग, और वहाँ पे पकड़े गए एयरपोर्ट पे, उनको जो है अरेस्ट किया गया। आप सोचिए उनके परिवार, उनके फैमिली पे क्या बीत रही होगी। तो भाई अगर जो आपका यहाँ भी कुवैत में बता रहा हूँ, भांग की पुड़िया लाते हैं लोग, गोली लाते हैं लोग, उनको पता नहीं होता। आप किसी भी देश में जाइए, देखिए आज नेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप सबके पास इंटरनेट होगा, पक्का है, 101% गारंटी देता हूँ। आप किसी भी देश जाइए, जाने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में YouTube पे कोई भी आप बोल के रिकॉर्डिंग करके बोलिए, भाई ये देश कैसा है, क्या कानून है वहाँ पे, क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं, ये सारी चीजें सर्च करिए, फिर उसके बाद जाइए। खाने पीने की चीज जो है, लोग सोचते हैं तो भांग है अपने इंडिया में, हम खाते हैं पीते हैं, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलीगल है भाई, तंबाकू, भांग, ये गुटखा, ये सब इलीगल है। किसी किसी का चला आता है, कोई पकड़ा जाता है, उसके साथ ये हो जाता है। तो आप गल्फ में जाएं, चाहे यूरोप में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं भाई, इंडिया से बाहर जाते हैं तो कुछ भी, सिर्फ खाने पीने की चीज, जो नॉर्मल चीज है जो हर जगह चलता है, दाल चावल रोटी और जो भी है इससे रिलेटेड, इट्ठा मीठा, वो चीज आप ले जा सकते हैं, ना कि भांग, भांग की गोली, तंबाकू, ऐसा कुछ भी मत करिए भाई। आप सही रहेंगे तो पैसा कहीं भी कमा लेंगे, थोड़ा चाहे ज्यादा। तो ये वीडियो को शेयर करिए, जो लोग भाई इंडिया से आने वाले हैं, कुवैत चाहे गल्फ चाहे कहीं जाने वाले हैं, उनको ये पता चले कि एक आदमी के साथ ऐसा हो गया, ताकि अगली बार वो गलती ना करें और सतर्क हो जाएं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।